हेलो गाइस, वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको पावर डायरेक्टर के फ्यूचर के बारे में। फिर से मैं दो ऑप्शन यहाँ पर बताऊंगा, जूम इन और जूम आउट का। तो जल्दी से हम पावर डायरेक्टर को ओपन कर लेते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं पावर डायरेक्टर हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है और जल्दी से हम यहाँ से वीडियो को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो वीडियो कैसे इम्पोर्ट करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो कंट्रोल क्यू जब प्रेस करेंगे तो लास्ट लोकेशन जहाँ से वीडियो इम्पोर्ट की है वही लोकेशन पर जाएगा। अगर आपकी वीडियो वहीं पे है तो डबल टैप करके ओपन कर लीजिए, वहाँ नहीं है तो आप जहाँ पे भी है डाउनलोड या डेस्कटॉप पे वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मेरे पास ये वीडियो 420 है, इसको डबल टैप करके यहाँ पे जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद सीधे टाइमलाइन में जाते हैं और आप देख सकते हैं वीडियो हमारी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जूम इन और जूम आउट के फीचर के बारे में। तो आप देख सकते हैं सिंपली इस वीडियो को मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये वीडियो जो प्ले हो रही है, ठीक है, तो आप इसमें कोई भी अभी डिफरेंस नहीं लग रहा है। और अगर आप इसमें चाहते हैं कि थोड़ा जो वीडियो का व्यू है वो थोड़ा जूम करके आ जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ़्ट में इसके टूल्स यहाँ पे शो हो रहा है, FX टूल, इफेक्ट रूम, ठीक है। इफेक्ट रूम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च दी लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है जूम। जैसे ही जू आप डालोगे या जूम पूरा, तो आपको जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो जूम इन के बारे में पहले बात करता हूँ, तो हम जूम इन को यहाँ पर लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ और देखिए इसमें थोड़ा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, वीडियो थोड़ी जूम करके आपको शो हो रही है, ठीक है। पहले जो नॉर्मली थी देख सकते हैं यूनिवर्सल जो है वो काफ़ी जूम होता हुआ चला गया। मैं एक्चुअली एक बार नॉर्मली इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सल जो अभी आएगा तो वो वहीं पर रुका हुआ है, वो बिल्कुल भी आप देख सकते हैं एक ही जगह पर रुका हुआ है, बिल्कुल जूम करता हुआ आगे नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं जूम टूल यहाँ पर लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं वो जो यूनिवर्सल है वो एकदम जूम करता हुआ बाहर आता है और एकदम से गायब हो जाता है। इसका मतलब वीडियो जूम हो रही है हमारी, ठीक है। तो जूम इन का इफेक्ट ये है। अब हम बात कर लेते हैं जूम आउट की, ठीक है। तो बाकी जूम इन में अगर आपको कुछ और करना है तो आपको कुछ खुद करके देखना होगा। आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप जूम फुल ये देख सकते हैं वीडियो जो आपके साइड में राइट में शो हो रही है, यहाँ पे इफेक्ट आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विडिट और लेंथ, इसके हाइट और विडिट दोनों आप कर सकते हैं। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा, जहाँ आपको सुटेबल लगे, बेटर लगे वहाँ पर रोक सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जूम आउट की। तो जूम आउट में क्या होता है, जैसे कई बार वीडियो को हम चलाते चलाते एकदम से छोटा सा व्यू देना चाहते हैं, वीडियो एकदम से हमारे फुल स्क्रीन से एकदम से बिल्कुल अंदर चली जाती है, तो उसको कहते हैं जूम आउट। तो हम जूम आउट यहाँ पर लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जूम आउट लगाया है तो वीडियो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी होती चली जा रही है। तो जूम आउट का मतलब ये होता है। और इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जूम आउट या जूम इन जो भी है, आप यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा बड़ा कर सकते हैं वीडियो का, जहाँ तक आपको जूम इन या जूम आउट करना है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही और आशा करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपने जो ये पावर डायरेक्टर का फीचर यूज़ करना सीखा है या और इस पर सीख जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया, मतलब कह नहीं सकते, बहुत ही अच्छा फीचर है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को भी चैनल को भी ना सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जो वीडियो एडिटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट अपना रखते हैं उनके लिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही और चैनल को तो सब्सक्राइब करना, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ पता नहीं, फिर भी तुम मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, आप एक बार ज़रूर कर देना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। बस इस वीडियो में इतना ही, जुबान ना लड़खड़ा रही है क्योंकि नींद आ रही है और मैं सोना जा रहा हूँ। गुड नाइट, बाय बाय। इस वीडियो में बस इतना ही, क्लोज।